हाय एवरीवन, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, जो ऐसे राइस हैं कि खाने में मीठे भी हैं, नमकीन भी हैं और उसमें मिर्च है, मसाला वगैरह उसमें कोई नहीं डलता। तो ये राइस इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, अदर मुल्कों में ये शौक से खाए जाते हैं। तो रेसिपी आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। इसमें मैंने ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसको काबली पुलाव भी कहते हैं, अफगानिस्तान का शहर काबुल उसका कैपिटल है, ये उस वजह से है, वहाँ पर ये डिश चलती है काबुल के नाम से, तो इसको अफगानी पुलाव भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं, मैं आपको आपकी रेसिपी दिखाता हूँ अपनी काबली पुलाव रेसिपी, मेक इजी रेस्टोरेंट स्टाइल। ये शुगर, शुगर के साथ नमक, रेड चिल्ली, और ये पड़ा है हमारे पास कैरेट, जिंजर कटिंग हमने इसकी ली है, ठीक हो गया। और साथ में हमने लिया है इसके ये किशमिश ली है, ये हमारे पास प्याज हो गया, और ये हमारे पास इतना ऑयल हो गया। अब ये हमारी, अब हमने इस ऑयल के अंदर ऑनियन को डालना है। ये बहुत मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है, यकीनन पसंद आएगी आप लोगों को। ये मैंने ऑनियन को डाल दिया, मैंने एक स्मॉल ऑनियन ले लिया, ये इतना ही काफ़ी है। तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये राइस जो है मैंने पहले से ही मैंने ये हाफ बॉइल कर दिया, ये देखेंगे हाफ डाल। हाफ बॉइल राइस करने से एक तो हमारी रेसिपी जल्दी बन जाएगी और दूसरा ये बनेगा भी टाइम भी बचत हो जाएगी इससे, ठीक हो गया। ये अब आप इसके अंदर क्या जाएगा, शुगर और ये मिर्ची वो चलेगी, और साथ ही आपने इसके अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा आपने वाटर देखे मसाला इसका कलर में तब्दील होता जाएगा। तो बेसिकली ये जो काबली पुलाव है ये है स्वीट राइस एंड सॉल्टी राइस, इसमें डबल टेस्ट आएगा आपको। अब हम थोड़ा उसके पानी के बाद ये भी हमारा थोड़ी इसमें वैरायटी बनाई हो जाए, तो फिर उसमें हमने क्या डालना होगा, फिर राइस को हमने इसके अंदर, अब ये देखिए अभी रेडी होने को तैयार हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे ये वाले राइस, ये देखिए चीनी मिर्च मेल्ट हो चुकी है, वीर पानी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ये जो मैंने राइस की जो मेरी जो रेसिपीज होती हैं मैं इनको बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक्स दे देता हूँ, वहाँ से आप इजी देख सकते हैं। रेसिपी भी साथ में लिख देता हूँ, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये देखें हमने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है, ये देखिए हमारे चावलों में अब पानी भी खुशक होता जा रहा है, ये हो गया। और देखो माशाल्लाह इसकी खुशबू कितनी प्यारी फैल गई है, क्या बात है, वो वो वो। अब इसके ऊपर ये जाएगा, ये जो हमने कैरेट रखी हुई है, ठीक हो गया। अब ये गई चावलों में, अब ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत लुक बनी है, क्या बात है। अब हमने इसमें चम्मच नहीं लगाना चावलों में, हम इसकी आँच मज़ीद और हल्की कर देते हैं इसकी। यहाँ से हमने इसको ऐसे हमने इसको मिक्स करना है चावलों के अंदर, हमें मज़ीद और हल्दी करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। और इसके ऊपर हम जो है ये वाला प्लेट ऐसे ऐसे बस, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इनको सेंटर में कटिंग करते हैं, सेंटर में कटिंग करके साथ साथ हम प्लेट के ऊपर ऐसे फैला देते हैं। आज हम इसको सिर्फ खीरा ही लगाएंगे, आज टमाटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है,
ये लगा दिया, ये देखें तरह की हो कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। तो ऐसी गार्निश के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हमने अब हम ये हम इसका ढक्कन उठाते हैं। वाओ माशाल्लाह क्या बात है, ये देखें इस तरीके से इसको हिलाते जाए, ये क्या खूबसूरत बनी। वाह, प्लेट के अंदर डालते हैं इसको ऐसे, ये। और हमने ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, अब हम जल्दी जल्दी इसको ऊपर ऐसे लगाते हैं, ये देखें। वाओ माशाल्लाह क्या लुक आई यार, क्या खूबसूरत लग रही है चावल। वाओ वाह 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 वाह, दिखने में कितने प्यारे खूबसूरत लग गए हैं, है ना मज़े के। तो अगर ये आप लोगों को सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है, रेस्टोरेंटों में खाते भी हैं, तो आपने आगे शेयर करना है, घर में इसको ट्राई ज़रूर करें। और लिंक्स मैंने जो दिए हैं बॉक्स में, उसको आप देख भी लें, बॉक्स में आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जी हमने ये डिश बनाई थी और हमसे वाकई ये परफेक्ट सिंपल रेसिपी में बहुत इजी और आसानी से बन गई है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर, अल्लाह हाफिज़।